इंदौर की मस्जिदों में रखी गई, जहां के जिम्मेदार और इमाम शामिल हुए, जिसमें कहा गया है कि CAA, NPR और NRC का विरोध जारी रहेगा और इसी विरोध के चलते बैठक में मंथन भी किया गया। बैठक में समझाया गया कि जब असम में हुई NRC में 19 लाख लोगों में देश के पूर्व राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद के परिवार वाले कारगिल युद्ध के सैनिक शामिल हो गए हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार का नाम सूची से गायब हो गया, तो फिर भला कैसे आम आदमी इससे प्रभावित नहीं होगा। केंद्र सरकार की नियत में खोट है, तभी तो उसने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में 5 नई शर्तें ऐड कर दी, जिससे इसे NRC में इस्तेमाल कर दलित, मुसलमानों और हर तबके के गरीब को देश की नागरिकता से दूर किया जाए। यही वजह है कि NPR में जानकारी नहीं देने की रणनीति बनाई जा रही है। इंदौर में सुन्नी अइम्मा काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बात पर मंथन हुआ कि क्यों न विरोध स्वरूप NPR मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जानकारी दे ही ना, मतलब इसका विरोध किया जाए और इस मुहिम को देश भर में शुरू किया जाए कि हर शख्स जो देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाना चाहता है वह NPR में जानकारी दे ही ना। साथ ही दलित और कमजोर आय मतलब गरीब और आदिवासियों को भी इस मुहिम से जोड़ा जाए, क्योंकि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दलित और गरीबों के लिए भी नुकसानदायक है। केंद्र सरकार की नियत में खोट है, वह दलितों को आरक्षण से दूर करने के लिए उनकी नागरिकता ले लेगी और जब वह देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो आरक्षण से भी वह वंचित हो जाएंगे। सुन्नी अइम्मा काउंसिल की बैठक में डॉक्टर फजलुल्ला साहब चिश्ती खास तौर पर शामिल हुए। सुन्नी अइम्मा काउंसिल के सेक्रेटरी मौलाना आरिफ बरकरती ने बताया कि विरोध रुकने वाला नहीं है, आगे भी शांति प्रिय तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। कर दिया उन्होंने, क्या किस तरह की मीटिंग थी और क्या तय हुआ? दिल्ली से डॉक्टर फजलुल्ला साहब आए थे और NRC CAA NPR उन्होंने सबके बारे में डिटेल से हमारे उलमाओं को समझाया और किस ढंग का प्रोटेस्ट होना चाहिए शाहीन बाग की तर्ज पे इंदौर में कानून के दायरे में रहकर, उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बात बताई। और ये जिस तरह की जो NPR जो है, एक्चुअल में ये NPR ही NRC है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया। इसमें जो 5 नए जोड़े गए हैं नियम, तो वो कहीं ना कहीं वही NRC का आगे चल के NRC का रूप धर लेंगे और कहीं ना कहीं वही एक NRC का नया रूप है। तो उसके बारे में उन्होंने बता करके यही सारी चीज़ें समझाई आवाम को कि ये क्या है और किस ढंग से क्या हो रहा है, तो वो पूरी डिटेल से उन्होंने बता के आवाम को इसी बारे में बता के गए हैं कि आप इस पे काम करो और इस तरीके से करो। और ये प्रोटेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, आगे आने वाले वक्त में जो आसाम में दिक्कतें आई, जो वहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी भाइयों को दिक्कतें आई, तो उनका यही कहना था कि आप लोग इसके बारे में अपने लोगों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, उनको समझाओ कि इससे खाली मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हमारे गरीब हिंदू भाइयों का भी मसला है, ये हमारे दलित भाइयों का मसला है, ये आदिवासियों का मसला है। और ये सरकार सबको धोखे में रख के उनके हक, चूँकि मनुवादी सिस्टम लागू करना चाहती है, उनके हक दबाना चाहती है और उनको इन सब चीज़ों से बाहर करना चाहती है, रिजर्वेशन से बाहर करना चाहती है, तो इन सब चीज़ों पर बात करके उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई। बिल्कुल NPR का अगर हम फॉर्म नहीं भरते हैं तो उसका 1000 रुपये कुछ दंड है, ये मैंने भी पढ़ा है, और अगर हम उसको भर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो NRC केस में काम आएगा और वही हमारे को हमारी जो नागरिकता है उसको रद्द कराने में मदद करेगा, वो हमारे को डी लगा के और उसको डाउटफुल करके और फॉर्म को वो कर देंगे और फिर हमसे वो सवाल करेंगे कि आप सिद्ध करो कि तुम्हारे पिताजी, मान लो मैंने बोला मेरे फादर इंदौर में पैदा हुए तो वो इंदौर में पैदा हुए, अब उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे पेश करने नहीं कर पाऊंगा तो मैं नागरिकता से बाहर चले जाऊँगा।